नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है गुजरात की खबरों का। जिस वक्त गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है, अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। एसजी हाईवे पर छरोड़ी के पास अमेजन पार्क में बड़ी और बेहद ही भीषण आग लग गई है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं आग लगने के कारण अभी तक नहीं पता चल सका है। बड़ी खबर अहमदाबाद से, अमेजन के जंगलों में आग लग गई है। अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसजी हाईवे पर छरोड़ी के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अमेजन पार्क में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है और आग लगने का जो कारण था वह अभी नहीं पता चल सका है। गुजरात की इस वक्त से अहमदाबाद में बड़ी खबर सामने आई, जिसमें अहमदाबाद में एक भीषण हादसा हो गया है। एसजी हाईवे पर छरोड़ी के पास एक जंगल में भीषण आग लग गई है। फिलहाल आग लगने का जो कारण था वह अभी साफ नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि किस तरह जो भीषण आग थी वह लगी है। यहाँ पे किसी के फिलहाल अभी हताहत होने की कोई खबरें जो थी वो सामने नहीं आई है। धुएं का जो गुबार था वह आपको हवा में दिख रहा है। जितनी भीषण आग लगी है उतना ही जो गुबार था धुएं का वह दूर दूर से ही नजर आ रहा है। फिलहाल अभी तक जो कारण था जिस वजह से आग लगी है वह साफ नहीं हो पाया है। दमकल विभाग जो था और जो पुलिस के जो लोग थे वह स्थिति पर पहुंच गए थे, मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर कुछ भी जो वहां पे पहुंचे थे, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी जो कारण था वह सामने नहीं आया है। गुजरात का जो बड़ा हादसा है उसकी हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो एससी हाईवे पर छरोड़ी के पास जो हादसा हुआ है, इसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। गुजरात में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। बिजली न होने के कारण घरों में ब्लैकआउट है। दांता तालुका के ढाबावाली गांव में 41 घरों ने बिजली नहीं है। ढाबावाली गांव में पिछले 3 साल से 21 किसान अपने खेतों में बिजली की मांग कर रहे थे। वे पिछले 3 साल से फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जीईबी कार्यालय से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी इन किसानों के लिए बिजली नहीं है। बड़ी बात यह है कि ढाबावाली गांव में नल से जल योजना के दावों की पोल जल आपूर्ति विभाग के दावे से खोखली पड़ गई है। यहाँ के लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ता है। बनासकांठा से बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे लाइन को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। दाता तालुका के किसानों ने एक याचिका सौंपी है, जिसमें रेलवे लाइन को लेकर रंगपुर चौरासन के किसानों को आपत्ति भी दर्ज जो है वो करवाई जा रही है। यानी लोगों में जो एक नाराजगी है वो देखने को मिली है। तारंगा अंबाजी आबू रोड रेल लाइन कई गांवों से होकर गुजरेगी, जिसके चलते रेलवे लाइन पड़ने के चलते कई जो आदिवासी थे उनके जो घर है वे नष्ट हो चुके हैं। आदिवासियों के कुछ घर रेलवे लाइन से नष्ट हो गए, जिनकी वजह से वह बेघर हो गए हैं। और इन सभी का जो लोगों में इस वजह से नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का आरोप है कि कोई नोटिस जो था वो जारी नहीं किया गया है। बनासकांठा से बड़ी खबर,
जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि रेल लाइन को लेकर लोगों की जो नाराजगी थी वो देखने को मिली है। दाता तालुका के किसानों ने याचिका भी दायर करवाई गई है। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के वीडियो ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। साइंस फैकल्टी के बॉटनी डिपार्टमेंट में एक छात्रा के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे अब विवाद के हालात बन गए हैं। क्लास में नमाज पढ़ने का यह वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर कॉलेज कैंपस में पतंगबाजी का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान अन्य स्टूडेंट्स पतंग उड़ा रहे थे, वहीं एक मुस्लिम छात्रा क्लास में नमाज पढ़ रही थी। एमएस यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता लकुलेश त्रिवेदी ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स की लगातार काउंसिल कर रही है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि यह एक शैक्षणिक केंद्र है और वे इसे धार्मिक अखाड़ा ना बनाएं। यहां वे अपने पढ़ाई पूरी करें और आगे बढ़े। कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने का ऐसा ही मामला बीते 26 दिसंबर को भी सामने आया था। इस दौरान कैंपस डिपार्टमेंट में कॉमर्स डिपार्टमेंट में परीक्षा देने आए दो लड़के कैंपस में नमाज अदा करते हुए नजर आए थे। इस पर कॉलेज में जमकर हंगामा मच गया था। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद VHP के कार्यकर्ताओं ने कैंपस में राम धुन और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। छात्रा का नमाज पढ़ने का जो वीडियो था वो वायरल हो रहा है। वो वीडियो आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें एमएस यूनिवर्सिटीज में जो ये नमाज छात्रा अदा कर रही है वो वीडियो आपको दिख रहा है कि किस प्रकार जो एक लेक्चर चल रहा था उसके दौरान वीडियो में सूरत जिला पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह कॉमरेज तालुका के बाव स्थित वशिष्ठ विद्यालय में जिला पुलिस प्रमुख की मौजूदगी में आयोजित किया गया। यातायात नियमन और यातायात सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य सड़क एवं परिवहन कार्यालय द्वारा हर साल पहला सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। इसके तहत सूरत जिला पुलिस भी एक सप्ताह के लिए जिले के कई तालुका में RTO अधिकारियों और यातायात पुलिस के समन्वय से सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है। वहीं ये जो सप्ताह है वो 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो था वो आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें जो चंद तस्वीरें हैं वो हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत महीसागर जिले के लूनावाड़ा ARTO कार्यालय एवं जिला यातायात पुलिस के संयुक्त प्रयास से महीसागर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ARTO कार्यालय द्वारा लूनावाड़ा में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें हलोल शामलाजी हाईवे पर लोडिंग वाहनों टक्करों के पीछे रेडियंस पट्टी लगाई गई थी। दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से भी जानकारी दी गई है। वहीं महीसागर जिले में सड़क सुरक्षा का जो कार्यक्रम था वह आयोजित किया गया है। यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी के चलते महीसागर जिले में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भिलौड़ा में एक सड़क हादसा हो गया। एक परिवार उत्तरायण पर्व मनाकर वापस अहमदाबाद लौट रहा था, तभी मोहनपुर गांव के पास सामने से आ रही एक कार से टकरा कर पलट गई, जिससे कार सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी की कार से निकालकर इलाज के लिए भिलौदा कॉटेज अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरी घटना के बाद भिलौदा पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया गया है। वहीं जो घटना का जो फुटेज था वो हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद
जो लौट रहा था परिवार और उसी के साथ जिस दौरान ये हादसा हुआ है उस दौरान गाड़ी में 6 लोग सवार थे। वलसाड़ के अब्रामा क्षेत्र में एक रेलवे कर्मचारी ने खिड़की से कूदकर जान देने की कोशिश की लेकिन परिवार वालों ने उसे बचा लिया और उसे कूदने से रोक लिया। सूत्रों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि रेलवे का यह कर्मचारी नशे में धुत होकर अपना नियंत्रण खो चुका था और आत्महत्या करने की कोशिश की। शराब के नशे में धुत होकर वो कई बार ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। वहीं खिड़की से कूदकर जान देने का जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार ने शख्स की जो जान है वो बचाई थी और बताया जा रहा है कि जो शख्स ने शराब पी रखी थी खिड़की से कूदकर जान देने की जो शख्स था वो पहले भी कई बार कोशिश कर चुका है। राजकोट में धोराजी विधायक की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उपलेटा में चालक की गलती से स्ट्रीट लाइट के खंभे से कार टकराई है। गनीमत रही कि विधायक महेंद्र पडालिया के साथ बड़े हादसा होने से बच गया है और विधायक महेंद्र पडालिया कार हादसे में बाल बाल बचे। आपको बता दें कि उपलेटा के वडली चौक के पास विधायक की कार स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकरा गई थी। कार की रफ्तार धीमी होने की वजह से कार खंभे से नहीं टकरा पाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची है और मदद का जो कार्य था वह शुरू कर दिया गया है। वही विधायक की गाड़ी का जो हादसा था वह बहुत ही भीषण बताया जा रहा है लेकिन जो गाड़ी की रफ्तार थी वह काफी धीमी थी जिसके वजह से जो गाड़ी थी वो खंभे से नहीं टकराई और मंत्री जी की जान बच गई। फिलहाल गुजरात की खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।